Hello, I'm Dr. Vrishali Kirikkarke, a lung specialist and interventional pulmonologist with Pune Hospital, and I continue with a series of asthma. So what are the things you can do at home, you know, whenever you get an asthmatic attack? So basically, get it well known that, you know, the asthma triggers are dust, smoke, and the other thing is cold. So one thing which will definitely help you is if you drink some amount of warm water, you take a warm hot water bag to your chest. These things are bound to cut down on your asthma problem. The other thing is caffeine and the tea content. Okay, both of them have a little bit of bronchodilator effect. And दूसरा जो आप कर सकते हो कि अगर कोई भी चीज़ है जैसे ट्रिगर हुआ कि घर में अभी अभी ने छोक लगा लिए हो, सो आप एग्जॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, या आपके घर में कहीं पे भी धूल मिट्टी किस कारण आ रही है, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उधर की खिड़कियाँ बंद कर सकते हैं, ये आप घर के लेवल पर कर सकते हैं। नेचुरली द ट्रीटमेंट फॉर एस्थमा, उसके बारे में बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एस्थमा के कई टाइप्स रहते हैं, मतलब कभी कभी एस्थमा बहुत ही माइल्ड रहता है और बहुत इंटरमिटेंटली आता है, माने हमेशा नहीं होता, इट इज़ वेरी वेरी लेस। अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी रहेगी तो आपको रेगुलर इनहेलर प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, आपको बोला जाता है कि आप जब आपको तकलीफ होगी तब आप इनहेलर लिया करोगे। उसके बाद की जो एस्थमा है कि माइल्ड इंटरमिटेंट है, मॉडरेट इंटरमिटेंट एंड सिवियर परसिस्टेंट काइंड्स, नॉट इंटरमिटेंट, परसिस्टेंट काइंड्स ऑफ एस्थमा है, तो तब आपकी ट्रीटमेंट जो रहेगी वो रेगुलर रहेगी। तो ये रेगुलर ट्रीटमेंट लेने का कारण क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि एस्थमा में सिर्फ जो आपकी सांस की नलियाँ सिकुड़ती नहीं, उसके साथ में उनके अंदर जो है परत पड़ती रहती है, और इसको बोलते हैं एयरवे रीमॉडलिंग। अगर आपने समय पर मेडिसिन नहीं लिए, मतलब जो रिलीवर एक जो है, जिस जो आपको सबको मालूम है सालबुटामोल या एस्थिलिन, सबको ये पंप मालूम है, और प्रिवेंट जो ये है कि ट्रीटमेंट काइंड्स, सो जिसको आप आगे एस्थमा बढ़ने नहीं दे, वो जो ट्रीटमेंट है उसको आपने नहीं लिया, तो ये परत बढ़ के आपकी सांस की नलियां हमेशा के लिए बारीक होके आपको हमेशा दम लग सकता है। इसके लिए एस्थमा की ट्रीटमेंट रेगुलरली लेनी ज़रूरी है। अब ये ट्रीटमेंट जो है, सब पूछते हैं कि ये हम सांस, मतलब गोली क्यों नहीं है, ये इनहेलर्स क्यों रहते हैं, ये रोटा कैप क्यों रहता है? तो इसमें एस्थमा की ट्रीटमेंट दो प्रकार की रहती है। एक ड्राई पाउडर इनहेलर्स है, जहाँ पे आप गोली किसी चीज़ में डाल के वो फोड़ते हो और उसको खींच लेते हो, और दूसरा है मल्टी डोज इनहेलर्स, विच आर, मतलब जहाँ पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। इंपॉर्टेंस है कि आप कैसे ले पाते हो, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या लेते हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप क्या ले सकते हो जिसमें आपकी जो दवाई है वो मुंह में न रहते हुए फेफड़े में चले जाए तो, और आपको फ़र्क पड़े, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जनरली अगर आप एक अडल्ट हो, टीनेजर टू अडल्ट, और आपकी ताकत अच्छी है, तो आप ड्राई पाउडर इनहेलर, जो इनहेलर्स है DPIs ले सकते हो, जिसमें आप गोली खींचना बोलते हैं वो कर सकते हो। बच्चे और बुज़ुर्ग, या कोई कारणवश अगर आपके ना ताकत नहीं है, तो उसमें आप इनहेलर मेडिसिन और उसको स्पेसर के द्वारा ही लेना है। स्पेसर के द्वारा मैं जो बोल रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्पेसर में क्या होता है कि आपने अगर ये इनहेलर से एक चेक किया और मुंह में डाल दिया और आपने तब सांस नहीं लिए, तो मेजॉरिटी ऑफ की जो दवाई है वो हवा में चली जाती है। स्पेसर एक कंपार्टमेंट रहता है, तो इनहेलर यहाँ पे लगा के इधर शेक किया, आपने मुंह में दूसरा पार्ट ले लिया, ये पंप कर दिया, तो ये इस क्लोज स्पेस में रहता है, आप आराम से इसमें सांस ले सकते हो। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए भी ज़रूरी है। डिलीवरी, ड्रग डिलीवरी, माने जो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्थमा, कि वो अंदर जानी चाहिए। मैं दवाई ले रही हूँ, लेकिन दवाई कैसे ले रहे हो, वो दवाई अंदर जा रही है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं। इसमें दवाई लेने के बाद हमेशा एक ध्यान रखना है कि मेजॉरिटी एस्थमा दवाई के लिए आपको बाद में गार्गल करना पड़ता है, मतलब कुल्ला करना पड़ता है, वो पानी थूक देना है और थोड़ा पानी पी लेना है। दूसरी जो मुझे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि एस्थमा में स्टीरॉइड्स रहते हैं, तो स्टीरॉइड ये एस्थमा का मेन स्टे ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने आपको बोला कि एस्थमा प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये रिवर्सिबल पहले समय में रहता है, जब माइल्ड या आप बोलते हो कि इंटरमिटेंट या परसिस्टेंट रहेगा, लेकिन माइल्ड है, तो रिवर्सिबल माने इट कैन कम बैक टू नॉर्मल एंड इट विल प्रिवेंट द प्रोग्रेशन, द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज एज यू एज। सो इसमें स्टीरॉइड ज़्यादा मेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड स्टीरॉइड की मात्रा अगर आपने कभी पंप पे देखी होगी तो रहेगी 200 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम, और इसमें सिर्फ 5 से 15% आप कितने अच्छे से लेते हो आपके फेफड़े में जाता है। इसका गणित मैं कभी बाद में आपको बता दूंगी कि कैसे ये आपके लिए हानि से ज़्यादा उपयुक्त पड़ते हैं। आपको और कोई प्रश्न होंगे इन्हेलेशन के बारे में तो हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा, हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।